आज से ये मैं वेव्स के पास पे इसके क्वेश्चंस करूँगा। घबराइए नहीं है, ये इस पे जो प्रिंटेड है मेरा फ़ोन नंबर है पाकिस्तान का, तो आप कांटेक्ट कर भी सकते हैं अगर कोई ज़रूरत हो तो। ये देखें, स्टेट थ्री कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑर्डर दैट टू वेव्स में इंटरफेयर। सबसे पहले तो कंडीशंस देनी होती है, कंडीशंस कौन सी देंगे हम लोग। फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वेव्स मस्ट बी लाइक, मस्ट बी लाइक वेव्स, दैट इज दे मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल, बोथ मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, दैट इज बोथ मस्ट बी आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, यानी एक जैसी वेव्स होनी चाहिए नंबर वन। नंबर टू, दे मस्ट मीट एट अ पॉइंट ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम। एक ही मीडियम में ट्रेवल करते हुए एक पॉइंट पे उनको मिलना चाहिए। थर्ड है, दे मस्ट बी इन फेज कोहेरेंस, फेज कोहेरेंस। फेज कोहेरेंस का मकसद आपको आता है कि यानी इनका जो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पीड ये सेम हो और इनका सब कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अच्छा, उसके बाद ये कहता है द ऑपरेटर्स इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.1। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये समर 2003 का क्वेश्चन है। ये देखें, तभी ये 4.1 लिखा हुआ है, इज़ यूज टू डेमोंस्ट्रेट टू सोर्स इंटरफेस यूज लाइट। ये एक स्लेट है, ये स्लेट है, इनका डिस्टेंस ए है, ये लाइट वेवलेंथ आ रही है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस डी है, ये स्क्रीन है। ये MCC मेरे बच्चे के नाम से, मुदसिर कोचिंग सेंटर के नाम से मैं पढ़ाता हूँ कराची में, तो ये उसी के पास पेपर्स के बने हुए हैं, तो उसी से मैंने लिए हैं। द सेपरेशन ऑफ द टू स्लेट्स इज इन द डबल सेट अरेंजमेंट इज ए एंड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर व्यूड ऑन स्क्रीन एट डिस्टेंस टी फ्रॉम द डबल स्लेट। When light or wave lambda is incident on double slit, the separation of the bright fringes on the screen is x. Separation वही fringes पे से x होती है, वही notation एकदम इस्तेमाल कर रहा है जो हमने अपने lecture में भी इस्तेमाल की हुई है। ये कहते हैं suggest a suitable value for the separation a of the slits in the double slit. Actually इसमें जो है आप तकरीबन मुख्तलिफ आंसर्स दिए जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका जो होता है वो तकरीबन 0.1 से आप 0.8 मिलीमीटर तक दिए तो बेहतर है। वैसे एग्जामिनर्स तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको जो है ना, मेरे लिए बेस्ट 0.5 मिलीमीटर ही ठीक है, 0.5 मिलीमीटर। उसके बाद ये कहते हैं राइट डाउन एक्सप्रेशन रिलेटिंग लैम्डा ए डी एंड एक्स, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। एक्स फ्रिंज स्पेस है, लैम्डा वेव लेंथ है, डी स्क्रीन ऑफ द डिस्टेंस है, ए जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। अब ये कहता है डिस्क्राइब इफेक्ट इफ एनी ऑन द सेपरेशन एंड ऑन द मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑफ द फ्रिंजेस व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। द डिस्टेंस डी इज इंक्रीज्ड टू 2d कीपिंग ए एंड लैम्डा कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली एक्स इज इक्वल होता है लैम्डा। अब ये कहता है डी एक लैम्डा और ए को कॉन्स्टेंट रख रहा है और ये डी को डबल किया तो एक्स भी जारी बात है डबल हो जाएगा, सेपरेशन इज आल्सो डबल्ड, सेपरेशन भी डबल हो जाएगा और मैक्सिमम ब्राइटनेस, लेकिन जब सेपरेशन डबल हो जाएगा इंटेंसिटी वही है तो इंटेंसिटी जो है ना डिक्रीज करेगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस डिक्रीजेस, जारी बात है सेपरेशन ज़्यादा हो गई, सेपरेशन ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। अच्छा, फिर ये कहता है द वेवलेंथ लैम्डा इज इंक्रीज टू 1.5 लैम्डा, यानी ये लैम्डा 1.5 लैम्डा हो गया, कीपिंग ए एंड डी कांस्टेंट, सेपरेशन तो सेपरेशन भी 1.5 टाइम्स इंक्रीज करेगी, सेपरेशन इंक्रीजेस बाय 1.5 टाइम्स। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम ब्राइटनेस, वो भी सारी बात है, मैक्सिमम ब्राइटनेस डिक्रीज करेगी क्योंकि सेपरेशन इंक्रीज कर गई है। अच्छा, उसके बाद है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट इज इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज की जा रही है,
कीपिंग लेमडा एंड डी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो सेपरेशन जारी बात है, लेमडा भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो सेपरेशन भी कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज, सेपरेशन में नो चेंज आएगी। और मैक्सिमम ब्राइटनेस देखिए इंटेंसिटी बढ़ गई है, हालांकि सेपरेशन में चेंज नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने से मैक्सिमम ब्राइटनेस भी जो है वो बेसिकली बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस इंक्रीजेस। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये देखें ये समर 2003 का पेपर टू का क्वेश्चन नंबर फोर है, और ये मेरा नंबर एक्टिव, मेरा नंबर ये है, ये अभी एक्टिव नहीं है लेकिन बहरहाल ये नंबर एक्टिव है मेरा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन।